बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के रहम करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की भाभी के साथ जो है मेरी सुलह हो गई है, और दो दिन जो है मैं क्लिनिक पे सोया और ये घर में सोई। हम दोनों की लड़ाई हुई थी आपस में, और हमारे एक दोस्त ने हमारी सुलह करवाई है। और अभी जो है उनको मैं छोड़ने जा रहा हूँ उनके हॉस्पिटल में, और हजन को मैंने जाके स्कूल छोड़ना है सुबह सुबह। हजन जो है वो बिल्कुल तैयार हुआ खड़ा है, उसका भाई जो है उसके ड्रेस ठीक कर रहा है। सो वाइफ जो है वो आ चुकी हैं, वो अपना सामान अंदर रख रही हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अल्लाह का नाम लेकर आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं, जो हमारी रूटीन होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। Semuanya Indonesia Raya. Alal dunia. Ya, all dunia. Ya biasa pagi ini harinya cerah ya. No any rain. Very very good diseases. जी जनाब, तो लोकेशन पे पहुंचा दिए इनको अपनी, और मैंने अभी जाना है फिर आगे नेक्स्ट। हजन गिव मास्क विद मीमी। मास्कर यहाँ तो नहीं है। नो दिस इज एनी। ये हो जन के काम चेक करें, जूता पीछे रखा होता डिग्गी में। अगो बहाने अच्छा अच्छा, सबर कर सबर। अम्मी को डे बंद कर दो हो जान, तू तो हो जान। सोच रहा है बंद करना है कि नहीं करना। ओके हाँ जी, किडे जी भाई जान, किधे आ गए वे? कहाँ जाना है आपको भाई साहब? आप गाड़ी में बैठ गए हो, जूते भी लेके आ गए हो, किधर जाना है आपने? हाँ दिखा मु दिमाना माऊ। हाउजन दिमाना। हाउजन दिमाना माऊ। स्कोला तो मुंह से बोलो ना कि भाई स्कूल जाना है। दिमाना दिमाना सर दिमाना दिमाना माऊ गो स स्कूल स्कूल बोलो ना स्कूल हैं सा कू ल स्कूल स्कूल तक स्कूल छोड़ने हैं। सराइकी भी थोड़ी बहुत सीखो, और उसके बाद उर्दू भी सीखो, थोड़ी इंग्लिश भी सीखो। ओके भाषा इंग्लिश। ओके स्कूल 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 इस तरह ठीक है। रेडी सियाप। ओके छत वाला गियर लगाते हैं, यस ऐसे हवा में उड़ाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ओके ये है जी हमारा हाउजन, और बहुत ज़्यादा नर्वस बच्चा है। मैंने बोला किधर बैठ गया हो, एकदम परेशान हो गया, टेंशन में आ गया कि पता नहीं डैडी को जो है वो आज क्या हो गया है। मैंने कहा किधर जाना है, खामोश। मैंने कहा मुंह से बोलोगे तो छोड़ के आऊँगा मैं। ये है जी पसार लम्मा। इस तरफ जो है ना कुछ भी नहीं था, अभी खेमे लगाए हुए हैं। खेमों के अंदर जो है ना वो छोटी छोटी दुकानें बना लेते हैं ये लोग। और ये जी पसार लामा इसी जगह को कहते हैं, ये तंगरंग के अंदर ही है। यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह लोग जो है वो नाश्ता कर रहे हैं गाइस,
बिल्कुल सुबह सुबह अभी ये नाश्ते में क्या कर रहे हैं पता नहीं, मैंने भी नाश्ता करना है। हौजन 2+2 बराबर 2 और 2 कितना होता है? डुआ प्लस डुआ बराबर हैं 2, बस 2 ही होता है, 1 होता है। या अल्लाह या अल्लाह, दरवेश आदमी है जी हमारा हौजन और फकीर बंदा है, और फकीर की आपको पता है खिदमत करे तो अल्लाह ताला की ज़ात भी जो है खुश होती है, राज़ी होती है। फकीर बंदा है बेचारा। आ जाएं जी सरकार, आप गुजर जाएं, हमारी खैर है, रेडी गुजार रहे हैं जी। हाँ सुबह सुबह जी रोज़ी की खातिर निकले हैं सभी, थोड़ी देर स्टॉप कर लेते हैं, ये गुजर जाएं फिर बिस्मिल्लाह। आप लोग देख रहे हैं ये मेरे सामने ग्रैब वाला जा रहा है मोटरसाइकिल पे, ये ग्रैब पे फूड भी डिलीवर करते हैं और बंदा भी डिलीवर करते हैं, और ग्रैब में आप 6 जूता कमा सकते हैं डोनेशन 6 मिलियन जो है, ग्रैब बाइक चला के 6 मिलियन और कार चला के 15 मिलियन 15 मिलियन इंडोनेशियन, और 1 मिलियन की प्राइस 22,000 पाकिस्तानी रुपीज़ याद रहे। अभी मैंने इमिग्रेशन जाना है, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो था 1 साल का कितास था इंडोनेशिया का, अब ये कितास बोलते हैं या इतास बोलते हैं इस चीज़ का मुझे पता नहीं है, बहरहाल साल का वीज़ा था। सो अभी जो है ना मैंने दोबारा जाना है इमिग्रेशन के अंदर, उनसे मैंने पूछना है कि भाई मेरे दूसरे साल का वीज़ा अभी मेरे 2 महीने पड़े हैं उसको ख़त्म होने में, टाइम अभी बाकी है। सो उनसे पूछते हैं कि भाई सरकारी जो वीज़ा है वो मेरे दूसरे महीने का वो क्या रिक्वायरमेंट होगी और आप लोग मेरे से दोबारा कितने पैसे लोगे। वीज़ा लेने के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये वीज़ा जो है वो किस तरह लेना है, किस तरह डॉक्यूमेंट बनवाने और निकाह करना इंडोनेशिया में, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। और ये वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं वाइफ के बिहाफ पे, मतलब अगर जो जी शादीशुदा हैं पहले से शादियाँ की हुई हैं ये वीज़ा अप्लाई कर लें, वो उनके लिए ये सही रहेगा वीज़ा। ये देखिए जी ये आगे जी हौजन का स्कूल, हौजन के स्कूल फाइनली पहुँच गए और हौजन को जो है रवाना करते हैं। हौजन जनाब जा रहे हैं, ओके टीचर तक छोड़ो ऑफिस एंड पसार लामा या देन वी कम वी हेयर वी ब्रिंग हौजन बैक टू होम। सलाम वालेकुम टीचर, ओके हौजन सलीम रेडी सलीम ना गितो, दिस इज हौजन टीचर माशाल्लाह शी इज वेरी गुड एंड हॉनेस्ट, ओके त्रिमा कासी टीचर। ये देखे जी ये है स्कूल एबनॉर्मल बच्चों का, अस्सलाम वालेकुम। या 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 आई एम कमिंग, अस्सलाम वालेकुम, आप कैबर सेहत। ये देखे जी टीचर लेके जा रही हैं और बच्चों को जो है इंडोनेशिया में बड़ा मोहब्बत से प्यार से ट्रीट किया जाता है। काफ़ी देर जो है मैं घूमता रहा हूँ और मुझे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ये देखे पार्किंग जो है पूरी फुल है बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक, अब दफ्तर ये सामने है तो मैं जो है ना यू टर्न मार के दूसरी साइड पे मैंने जाके पार्क की है, और बंदे को मैंने बोला कि भाई आप इसका ख्याल रखना मैं जा रहा हूँ दफ्तर में। सो अंदर भी जो है ना गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, अंदर भी सारा फुल है ये दफ्तर, सामने एक डमी टाइप बनाया हुआ है और वो ऐसे 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 हाथों से इशारा कर रहा है कि भैया हमारे पास आओ। अभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे पासपोर्ट अभी मैं जमा तो नहीं करवाऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये है कि उनसे मैं मशवरा करता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, नेक्स्ट क्या प्रोसेस है ना। आओ काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए सामने मस्जिद अल हिजरा, पहले से भी काफ़ी जो है ना लोग आए हुए हैं, रश तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नंबर भी लगवाना पड़ता है, अब नंबर का पता नहीं है कितनी देर में आता है, लेकिन यहाँ पर कंटीन बनी हुई है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारे ATM में पैसे कितने बचे हुए हैं, तो पेमेंट चेक करता हूँ, पेमेंट चेक करके उसके बाद जो आगे जाती हूँ। इधर करीब जो है ना एक बैंक भी है एक ATM है, तो ATM में जाके जो है चेक करते हैं टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या रूटीन है। ये है जी बैंक भी आ रही इंडोनेशिया, तो फाइनली जो है हमारी पेमेंट आई हुई है। सबसे पहले जी फूड ट्राई करते हैं कोई नाश्ते के लिए, देखते हैं कुछ मिलता है हमें। ये लोग तो पता नहीं किस चीज़ का नाश्ता कर रहे हैं, एप्पल 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 जूस दिस इज बीसा जूस नो मिक्स नो मिक्स ओके चलो शुक्र है इनके समझ लग गई है, मैंने कहा मिक्स ना कर देना। अच्छा जनाब अभी जो है देखते हैं यहाँ इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और सामने जो अंदर जाने का रास्ता है। अच्छा जी इसके लिए जो रिक्वायर डॉक्यूमेंट उन्होंने बताई हैं जी, ये बुक निकाह ये है वाजिब जनाब, और पासपोर्ट आपका होना चाहिए जेन्युइन
जो है सबसे लंबा इनका रिलेशन है जी, 60 साल से इनका जो है ना आपस में रिलेशन है माशाल्लाह। और ये इधर जो है ना पासपोर्ट बनवाने के लिए आई हैं, सऊदी अरब में जा रही हैं। इंडोनेशिया में ये सबसे आसानी है, इंडोनेशिया में दो पासपोर्ट चलती है, एक है सिंपल जो पासपोर्ट है, दूसरा ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट जो होता है वो चिप वाला होता है और उसके ऊपर जापान का जो है वो वीज़ा अराइवल होता है, और बाकी जो तकरीबन काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री है। और इसकी काफ़ी पावर है, इंडोनेशियन पासपोर्ट की जो है काफ़ी पावर है, काफ़ी पावरफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो काम है वो फाइनल हो चुका है, और मुझे उन्होंने पकड़ा दिए जी किताब, और इन्हें बोला है कि ये डॉक्यूमेंट पूरे करें और आप कल आ जाएं, हम लोग आपका जो है वो किताब सबमिट कर देते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अखलाक से पेश आए हैं, उनसे मेरी गपशप हुई है काफ़ी टाइम जो है, और बड़े अच्छे अखलाकी लोग हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि यार इमिग्रेशन के दफ्तर में इतना एक गाइड करते हैं प्रॉपर जो है ना, वो एक बंदा मुझे अंदर लेके गया है, कहता है ब्रदर आप इधर आ जाएं, बिठाया उन्होंने मुझे, पानी का पूछा मेरे से, और एक इस तरह मतलब एक रिस्पेक्ट करते हैं। यही वजह है कि जो फॉरेनर हैं वो इंडोनेशिया को काफ़ी लाइक करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मुल्क है। सो अभी जो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिए हैं वो मैं आप लोगों को गाड़ी में बैठ के पढ़ के सुनाता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो नए किताब के लिए और पुराने किताब को एक्सटेंड करवाने के लिए जो ज़रूरी है। सिर्फ इन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट जो इजाफी बताया है वो जो है एस के टेटे, वो एस के टेटे जो है ना वो पुलिस रिपोर्ट होती है। देखिए गाइस, पुराने मॉडल की गाड़ी है होंडा की, और अभी भी जो है ना इंडोनेशिया में काफ़ी लाइक करते हैं गाड़ी को, पुराने स्टाइल की गाड़ी है। और इसका स्टाइल चेक करें आप, किस तरह बड़ी ये भी लग रही है, ओल्ड इज़ गोल्ड गाइस, ओल्ड इज़ गोल्ड। गाड़ी जो है ना मैंने इधर पार्क की है, अभी मैं पार्क करके आ गया हूँ रोड क्रॉस करके, और गाड़ी वाले को पार्किंग के पैसे देते हैं, और आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट इन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाए हैं और मैं कल पूरे करके आऊँगा। गाड़ी में गई स्टार्ट खड़ी छोड़ गया, भूल गया मैं, ब्रदर ये यहाँ पे गाड़ी में खड़े थे, और ब्रदर ने ख्याल किया गाड़ी का। मैं काफ़ी दफ़ा ऐसे ही होता है, मैं जो है ना गाड़ी स्टार्ट खड़ी भूल जाता हूँ, तो ब्रदर की जो है ना खिदमत करते हैं और ब्रदर को पैसे देते हैं। ओके थैंक यू ब्रदर, ओके ओके मकासी, थैंक यू ब्रदर। असल में यार मेरे ऊपर काम का जो है इतना ज़्यादा बर्डन होता है और इतनी टेंशन होती है, सारा दिन इधर जाना है उधर जाना है, अभी क्लिनिक के भी पीछे टेंशन हो रही है और इधर उधर की टेंशन रहती है, सो इसी वजह से जो है ना मैं फिर प्रॉपर जो है ना वो याद नहीं रख पाता चीज़ें और जल्दी भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा। वो बंदा कह रहा था यार मैं बोनेट पे हाथ लगाया, मैंने कहता ये पानस, कहता है वो गर्म थी गाड़ी, मैं बोलूँ यार गाड़ी खड़े खड़े इतनी गर्म कैसे हो गई। मतलब ये किताब जो है ना अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास भूकू निका है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या लेके जाऊँ, पहले आप इमिग्रेशन चले जाएँ, उनसे डॉक्यूमेंट का वो एक बार चीज़ तरह की चिट बना के देते हैं, वह आप चिट बनवाएं उनसे और सुकून से अपना, वो आपको समझा भी देंगे, इंफॉर्मेशन स्पेशल इंफॉर्मेशन काउंटर होता है इंडोनेशिया में, तो वो आपको समझा देंगे आपने क्या क्या करना है, अगले दिन जाके आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके जाके सबमिट कर दें। जो पहली लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है ये है जी नए किताब अप्लाई करने के लिए, और जो दूसरे नंबर वाली लाइन है ये है जी पुराने किताब को रिन्यू कराने के लिए। जी आप लोगों की भाभी का ऑफिस, और यहाँ पे जो है ना आज ट्रेनिंग के लिए आई हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं जनाब स्टाफ को, अभी ट्रेनर बन गई हैं आप लोगों की भाभी माशाल्लाह से, और उनको मैं कॉल करता हूँ इधर आएंगी, और सिग्नेचर भी उनके चाहिए। साथ ही कल सारी रात खिदमत की दी मैं मसाद फजर नरदास सिग्नेचर, मैं कि मसाद खिदमत करूँ सारी रात, मसाद या लत्त घुटेंदा रह गया बैठा रह गया मैं। मसाद जो थी वो तकरीबन बीमार थी 3 दिन से, तो रात को उनकी खिदमत गुजारी की है और तकरीबन काफ़ी उनकी खिदमत की है। सुबह फिर इमिग्रेशन में भी जाना था, आप लोगों को पता फिर सिग्नेचर भी लेने होते हैं खवातीन के, तो खिदमत करनी पड़ती है। बसार लम्मा मार्केट में आया हूँ कुछ खाने के लिए, आइसक्रीम की दुकान तो नज़र आ रही है लेकिन मुझे कोई हमारी पाकिस्तान की फूड है वो नज़र नहीं आ रही, या तो यहाँ आयाम साते बनाते हैं वही खाने के लिए सबसे बेस्ट है हमारे लिए। आयाम साते, आयाम साते सोतो बोगुर, अभी तकरीबन सभी रेडियाँ खुली नहीं है, रश नहीं लगा अभी, टाइम नहीं हुआ इनका, और शाम जब होती है सारी रेडी वाले आ जाते हैं तो रश होता है उस टाइम जो है ना हर चीज़ मिल जाती है अवेलेबल। नो साथ ओके, दिस इज सिनी, नो एनी दिस इज लूरुस,
जी इनसाइड गो मोस्ट या ओ दिस वन ओके थैंक यू वेरी मच और गाइस ये देखें कौन सा जानवर है जी डॉगिंग बाबी जो है 75,000 का जो है ना एक किलो है दिस इज बाबी अंता मुस्लिम हाजर मैंने ये नहीं लेना यहाँ पे मेरे ख्याल से यार ये कोई चाइनीज़ वगैरह रहते हैं इसी वजह से जो है इन्होंने रखा हुआ ये और यार ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसका गोश्त देखा है और यकीन करें कि मैं दिल कर रहा है कि यहाँ से 80 की स्पीड से पूरा हो जाऊँ रुकने का दिल ही नहीं कर रहा इतनी गचा माता ओ यार बाबी बोलते हैं ना वो खिंजीर को तो अंता मुस्लिम हाजा क्रिश्चन गुड गुड आई रिस्पेक्ट ऑल बुधा या ये भाई जो है ना बुधा हैं और ये क्रिश्चन है या गुड गुड ब्यूटीफुल या आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस और मैं सब जो है मजहब की इज्जत करता हूँ और थोड़ी सी जो है ना बात बहुत थी वहाँ पे तो मैं इसलिए चला आया देखिए नास्तर बनाए हुए हैं जी नारियल को फेंकने जा रहे हैं जी उसका कचरा है और बाज़ार है काफ़ी खूबसूरत गाइस और काफ़ी अच्छा बाज़ार है ऊपर जो है ना सेम अच्छा जी ये है विहारा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मेरे से तो गाइस पढ़ा नहीं जा रहा आप खुद ही पढ़ लें इसके अंदर का रास्ता है जाने का सामने जो है ना ये जो बुद्धा हैं बुद्धिस्ट हैं जो और वो यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह करते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर हाउ आर यू आपका खबर सेहत फूड है अयाम साते और मैं स्पेशल जो अयाम साते खाने आया था तो मैं तो यहाँ से पानी भी नहीं पीऊँगा गाइस हेलो मेंढक मेंढक सेल कर रहे हैं जी सो आप लोग चेक करें कि मेंढक किस तरह से लग रहे हैं और ये कछुआ है जी ओह बिग बिग गडे यार अस्सलाम वालेकुम ब्रदर अब खबर सेहत सो ये और मजहब के लोग हैं जितने भी हैं हाजा अंता मुस्लिम अंता मुस्लिम अंता या फिर पाकिस्तानी हाजा सो ये सभी जाना मुस्लिम है चलो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन ये सेल कर रहे हैं पता नहीं यार ये क्यों कर रहे हैं सेल क्योंकि यहाँ दिखता होगा मैं भी दिस इज हलाल नो हलाल नो हलाल सो गाइज यहाँ पे फिश सेल की जा रही है दिस इज साते यार मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कसम से मैं इतना मेरा दिल कटा हो गया मैंने नहीं खाना भाई ओके मकासी मैंने नहीं खाना भाई जान मेरा तो वो गोश्त देख देख के और लटके हुए जो नाम मेरा तो दिल ही खट्टा हो गया भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ बाबा मैंने इधर पानी भी नहीं पीना यार वो मेरा दिल ही नहीं कर रहा क्या पता यार वो बोटियाँ लेके खड़ा हो डाल दी हूँ एक एक बोटी भी मिक्स करके उसने डाल दी हो हम तो इस्लाम से खारिज हो गए ना हम लोग गए इस्लाम से हेलो ब्रदर अस्सलाम वालेकुम क्या This is India, Tamil. Oh, mashallah, mashallah. Oh, Azza. Assalamualaikum. Assalamualaikum. India. How are you, brother? Apa kabar? Sehat. Azza fil Pakistani. Pakistan, yeah. India, Tamil. Tamil Nadu. Tamil Nadu. Oh, yeah, yeah. Hindi mano. Oh, Hindi mano. Hindu, Hindi. Hindi mano. Oh, aapko Hindi aati hai? Oh, mashallah, brother, brother. मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप माशाल्लाह हिंदी बोल लेते हैं हाँ सो यहाँ आपका बिजनेस है मेरा दोस्त है ओ ये आपका दोस्त है अच्छा मैं मेरा बीवी जो है वो इंडोनेशिया का है मेरा वाइफ ना
मेरी वाइफ इंडोनेशिया की है और मैं पाकिस्तान से हूँ। इधर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो इधर। अस्सलाम वालेकुम, आप कब मैं ब्लॉगर हूँ और ये पीछे इधर ऑफिस में छोड़ा है उनको, तो मैं इधर वीडियो बनाने के लिए आया। असल में कुछ खाने के लिए आया, तो मैंने जब यहाँ फूल देखा ना तो मेरा दिल उतार गया ना, तो मैं बाहर निकल आया। वो ने मेरा चैनल जो है गाइस सब्सक्राइब कर लिया, और आप लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। और बड़े खुश हुए इन लोगों से मिलके, जो है ना बड़ी खुशी हुई। आई एम सो हैप्पी, आई एम स्माइल। इंडोनेशिया पीपल वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली, बागुस, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। सो मेरे पीछे जो है ना इंडोनेशियन फूड है, मैं आप लोगों को ट्राई करवाता हूं। हेलो, हाउ आर यू सिस्टर। सो गाइस, ये जो है वो मैदे का आटा होता है जो गंदम का, उसको पीस के जो है ये मीठी बनाई होती है इन लोगों ने। कुचिंग किंग, ओह दिस इज ग्रैटिस फ्री मनी। सो गाइस ये जनाब अनानास को छीला जा रहा है, बड़े तरीके से काटा जा रहा है अनानास को। ये देखें जी, इसका अंदर का जो है ना वो बीज और ये चीज़ें कांटे जो है वो रिमूव कर रहे हैं ब्रदर। और जब ये मुकम्मल रेडी हो जाएगी तो बड़ी खूबसूरत बन जाएगी, बड़ी अच्छी लगेगी। ये ऑलरेडी जो रेडी हैं वो सामने लटक रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अभी जुहर की अजान हो चुकी है और नमाज के लिए आए हैं मस्जिद तंगरंग में, तो नमाज पढ़ के फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये गाइस। अजान पहले से हो चुकी है और अभी लोग जो सुनते पढ़ रहे हैं, और अभी जमात होगी थोड़ी देर तक। अभी जो है हम लोग क्लिनिक पे पहुँच गए हैं फाइनली, और ये जी बंडल लगाए हुए हैं। वाइफ मेरी जो है ना मेरे जितने डॉक्यूमेंट है वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो निकाल रही है यहाँ से, और एक दो बंदे से कॉल की है, हमें एक लेटर बनवाना था कहीं से, कोई SKTT लेटर है इंडोनेशिया में, तो ये उनको कॉल कर रही हैं कि भाई लेटर जो है ना हमें बनवाना है, कैसे बनवाएं। वैसे डॉक्यूमेंटेशन इनकी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन बस ये वैसे ही हम लोगों ने काफ़ी टाइम से संभाल के रखे हुए थे कि हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। हमारी बुक निकाह है इंडोनेशिया की, ये देखे बुक निकाह मैरिज बुक जो है इंडोनेशिया में जो इशू करते हैं, कावा ऑफिस से इशू होती है। और आजकल जो है वो NOC जो है ना, NOC जो है वो जकार्ता एम्बेसी से थोड़ा सा उन्होंने मुश्किल किया हुआ इसका प्रोसेस। उसमें ये है कि पहले तो लड़की और लड़का अकेले जाते थे तो मिल जाता था, अभी इन्होंने ये किया है कि लड़की और लड़का जो है उसके जो है ना लड़की के वालिद और वालदा जो है ना वो लाजमी वहाँ जाने चाहिए। तो ये शाम और मगरिब की जो है नमाज होने वाली है, और आप लोगों के यहाँ अगर अजान आ रही है तो आप लोग भी नमाज़ पढ़ो, मैं भी नमाज़ पे जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही जो आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं, कल इंशाल्लाह नई वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।